हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, हमारे रतलाम में बारिशें चालू हो गई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे क्लेडियम के प्लांट हैं और इस पे एक लीव्स निकली हुई है। नीचे छोटी छोटी सी लीव्स आ रही हैं फ्रेंड्स, देखिए। और इसमें भी एक लीव्स आई हुई है, उसका कलर बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। देखिए इसके इस कॉर्नर पे ग्रीन कलर है फ्रेंड्स, और इसके बीच में रेड है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैरून कलर है। एक क्लेडियम का प्लांट ये है फ्रेंड्स, देखिए बारिश की वजह से इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है फ्रेंड्स। मैंने एक ही बल्ब बुलवाए थे और अभी देखिए इनकी कितनी प्यारी ग्रोथ चल रही है। ये बूशी पॉट हो गए हैं फ्रेंड्स। और ये है मेरे जितने भी सारे क्रोटोन हैं, वो सब मैंने साथ में ही रख दिए हैं फ्रेंड्स। और आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आप फटाफट से मेरे मॉनसून के और गार्डन ओवरव्यू को देख लीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद में फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये क्रोटोन का प्लांट है, मैंने अभी एक महीने पहले ही इसे परचेज किया था। और यहीं पर जो लोकल नर्सरी वाले जो लेकर घूमते हैं अपने प्लांट को साइकिल्स पे और टोकनी वगैरह में या बास्केट में, तो मैंने उनसे छोटा सा लिया था फ्रेंड्स। लेकिन अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको शिफ्ट किया है, तब से इसकी ग्रोथ काफ़ी प्यारी चल रही है और ये काफ़ी बुशी पॉट भी हो गया है। पर बारिश की वजह से फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स हैं वो नीचे झुक गई हैं, इसकी जो ब्रांचेस है वो भी नीचे झुक गई हैं, और ये तो नॉर्मली बारिश में फ्रेंड्स होता ही रहता है। इसकी जो लीव्स हैं और जो इसकी जो ब्रांचेस हैं फ्रेंड्स, वो थोड़ी ठीक नहीं है, पतली सी है, तो इस वजह से जब बारिश की बूंदें इस पे गिरती है तो ये इस तरीके से झुक जाता है। एक क्रोटोन का प्लांट ये है फ्रेंड्स, मैंने जब इसे लिया था, तो जब भी मैं फ्रेंड्स कोई प्लांट लेती हूँ तो नीचे से देख लेती हूँ कि उसमें लाइफ में आगे चल के दो प्लांट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं उस प्लांट को लेती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये दो हैं। अगर मैं इस बारिश में अगर इसे अलग कर दूँ यहाँ से, इसे निकाल कर, तो ये मेरे पास में दो प्लांट हो जाएंगे फ्रेंड्स, और ये आगे चल के टू प्लांट्स हो जाएंगे और काफ़ी बूशी भी हो जाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब भी आप नर्सरी जाएं तो इस तरीके के प्लांट देखें जिसमें दो ब्रांचेस नीचे से ही निकल रही हों, ताकि आगे चल के आपके पास में दो प्लांट हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये है क्रोटोन मेरे पास में, फॉक्सटेल है फ्रेंड्स मेरे पास में, देखिए इसकी भी नई नई शूट्स निकल रही हैं। और बारिश में तो फ्रेंड्स आपके प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्पीड से होती है, और पानी भी अच्छा इनको सूट होता है बारिश का। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे क्लेडियम के बल्ब हैं सारे, जिनकी लीव्स भी अभी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और एक क्रोटोन का प्लांट ये है फ्रेंड्स, मैंने ये इसको 30 रुपीज़ में यहीं से ख़रीदा था। और ये देखिए इसकी मैंने ऊपर से जो यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, तो अब इसमें से नई नई तीन ब्रांचेस निकल आई हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है, ये धूप के कारण इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही थी, तो अभी बारिशें होने लग गई हैं फ्रेंड्स, तो अब ये ठीक हो जाएगी। और ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई है, और देखिए इसके कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी लंबा हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी कटिंग करने का सोच रही हूँ, और इसकी कटिंग अभी मैं लगाऊंगी, कुछ दिन पहले लगाई थी और अब इसकी लगाऊंगी, तो मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूँगी फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मेरे क्लेडियम के प्लांट हैं, देखिए आप क्लेडियम सारे देख लीजिए फ्रेंड्स, कि बहुत प्यारे प्यारे यूनिक कलर आ रहे हैं इसमें। और मैंने इन्हें सारों को पास पास में रख दिया है, देखिए फ्रेंड्स, ये देसी है फ्रेंड्स, ये मेरे पास में तकरीबन 3 या 4 साल से है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही बुशी हो जाता है। अभी तो बारिशें स्टार्ट हुई हैं फ्रेंड्स, तो बस इनके कलर देखिएगा आप, बहुत ही प्यारे प्यारे निकल के आएंगे। और ये सिंगोनियम है फ्रेंड्स, मैंने इसकी आपको एक बार वीडियो में दिखाया था कि जब मैं इसे लेकर आई थी फ्रेंड्स, तो ये एक ही था, और फिर मैंने इसकी ब्रांचेस अलग करके इस तरीके से तीन लगा दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, एक छोटी सी यहाँ से निकल रही है और दो ये बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत ही प्यारा होते जा रहा है ये, बुशी पॉट होते जा रहा है। आगे चल के फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट सीजन में मैं इसे अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, तो ये मेरे पास में तीन प्लांट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इसकी भी मैंने इसी तरीके से प्लांट को ख़रीदा था कि इसमें भी दो ब्रांचेस थी, तो मैंने इसे ले लिया था। अब ये जब ये बुशी हो जाएगा तो मैं इसे अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, तो ये मेरे पास में दो प्लांट हो जाएंगे।
और ये वाला जो मेरे पास में प्लांट है फ्रेंड्स, डिफेनबाकिया है फ्रेंड्स, और ये डिफेनबाकिया की एक वैरायटी है जो मुझे यहीं पर लोकल नर्सरी वालों पे मिल गई थी, तो मैंने इसे परचेस कर लिया था फ्रेंड्स। तो इसके पास में भी बहुत सारे छोटे छोटे से पर्प्स निकले हुए थे फ्रेंड्स, तो मैंने इन्हें तो शिफ्ट नहीं किया था, इसी में रहने दिया था। तो ये अभी काफी बुशी हो गया है फ्रेंड्स और ये काफी अच्छा लग रहा है। इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये एक लंबी ब्रांच हो गई थी और मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया था, तो अब ये यहाँ से दो ब्रांचेस निकल आई हैं और ये भी बुशी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से ये एक ब्रांच यहाँ से निकल आई फ्रेंड्स, एक यहाँ से निकल आई, तो अब ये दो शूट हो जाएंगी। तो ये सिंगल अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसे दो ब्रांच के लिए यहाँ से कट कर दिया था। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इसकी कटिंग भी लगती है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे यहाँ से काट लें और इसको सेपरेट सेपरेट इसकी जो कटिंग है वो ग्रो कर दें और यहाँ से फिर से नई शूट्स निकल आएंगी इसमें। तो ये मेरा रबर प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें रबर प्लांट में हाइब्रिड भी आते हैं फ्रेंड्स, पर मुझे इसका कलर अच्छा लगा था और मेरे पास में नर्सरी में अभी यही अवेलेबल था तो मैंने ये ले आए थे और ये मैंने फरवरी में परचेस किया था फ्रेंड्स। ये स्नेक प्लांट्स है और ये है मेरा स्पाइडर प्लांट्स। देखिए फ्रेंड्स ये कितने प्यारे लग रहे हैं पानी में नहाए हुए। और फ्रेंड्स ये है रिबन ग्रास और देखिए फ्रेंड्स ये कितने प्यारे कलर निकल के आए हैं, आप ठीक से देख पा रहे हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिक यूनिक कलर थे फ्रेंड्स जो मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे। और मैं इसका लिंक, अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स क्लेडियम केबल्स, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी, आपको चाहिए तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं, पर ये सारे मैंने ऑनलाइन ही लिए थे। और एक ये है फ्रेंड्स, देखिए इसका भी कलर और डिजाइन मुझे काफी पसंद आया था। और देखिए फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और एक प्लांट ये है फ्रेंड्स, काफी अच्छा चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड इसकी भी ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है। और देखिए ये है, ये डिफेनबाकिया का प्लांट है फ्रेंड्स देखिए, और इसकी लीव्स काफी लंबी होते जा रही हैं फ्रेंड्स। एक छोटा सा प्लांट इसके पास में और है फ्रेंड्स, छोटा सा इधर है, इसका पॉट काफी बड़ा है फ्रेंड्स इसलिए मैंने इसे छोटे से पॉट को इस प्लांट को इसी में लगे रहने दिया है फ्रेंड्स। जब ये काफी बड़ा हो जाएगा और मुझे लगेगा कि इनको पॉट छोटा लग रहा है तो फिर मैं इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। एक ये है फ्रेंड्स डिफेनबाकिया की मेरे पास में वैरायटी है, ये काफी खूबसूरत लगा मुझे। और अभी देखिए फ्रेंड्स ये धूप में काफी खराब हो गए थे, इनकी जो लीव्स हैं वो बर्न हो गई थी देखिए। और ये तो आप देख ही चुके होंगे फ्रेंड्स कई बार, मेरी हर वीडियो में ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और देखिए फ्रेंड्स ये भी क्लेडियम का प्लांट है फ्रेंड्स, और ये भी क्लेडियम के ही प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाइट है, इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन है। और इसमें भी फ्रेंड्स दो कलर हैं, एक तो ये पूरा वाइट है और एक ये पूरा ग्रीन है देखिए। और इसकी लीव्स काफ़ी अच्छी लगती है फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स इसकी ये होती है कि जब इसकी एक लीव्स आ जाती है तो ये कम से कम एक महीने तक इसी पॉट में बनी रहती हैं। तो अगर आपके पास में एक से ज़्यादा बल्ब हों तो इसका पॉट काफ़ी खूबसूरत लगेगा जब इसकी लीव्स, ढेर सारी लीव्स आपके पास में आएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसका एक ही बल्ब मंगाया था फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद में फिर इसमें छोटे छोटे से दो और स्मॉल बल्ब निकले तो मैंने उन्हें डिवाइड करके दूसरे पॉट में लगा दिए हैं। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा फ्रेंड्स, ये देखिए ये छोटे छोटे से दो बल्ब मैंने फ्रेंड्स अलग डिवाइड करके लगा लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं फ्रेंड्स, ये डिवाइड भी होते रहते हैं और बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरे केलांचो के प्लांट हैं और इनमें अभी कलियां नहीं आ रही हैं क्योंकि मैंने इनकी कटिंग करके इनकी छोटी छोटी कटिंग इसी पॉट में लगा दी है। तो इसे मैं तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स फ्लावरिंग के लिए कि ये बुशी पॉट हो जाए, तो कटिंग भी मैंने इसी में लगी रहने दी है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग दे और बुशी पॉट लगे। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरे रजनीगंधा के बल्ब हैं जिसमें फ्लावरिंग आने ही वाली हैं फ्रेंड्स। देखिए ये तीन
ब्रांचेस निकल आई हैं, आगे और भी निकलेंगी फ्रेंड्स, लेकिन देखिए अभी इसमें फ्लावरिंग आने ही वाली है। और एक प्लांट मेरा ये है फ्रेंड्स डिफेनबाकिया का, इसकी भी लीव्स पे गर्मी का असर पड़ गया है फ्रेंड्स कि इसमें धूप हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो सारे मेरे इंडोर प्लांट हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, और अब देखते हैं हमारे आउटडोर प्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने टेरेस पे दूसरी तरफ आउटडोर प्लांट रख रखे हैं जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट इन पे मिलती है। तो ये मेरे पुदीना है फ्रेंड्स, और मैंने इसमें से थोड़ा पुदीना इस साइड का निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये ठंड में बारिश में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फैलेगा, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा शिफ्ट कर दिया है ताकि ये इसमें फैल जाए और दूसरी जगह भी अच्छी जगह मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से फैले। और देखिए फ्रेंड ये मेरे प्लांट है, ये गुलाब है फ्रेंड्स जिनमें अभी ब्रांचेस निकल रही, मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी फ्रेंड्स, तो अभी इसमें ब्रांचेस निकलना शुरू हुई है। और फ्रेंड्स ये मेरा मिर्ची का पौधा है जिसे मैंने घर पे ही लगाया था, अब इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही इसमें मिर्च लगना शुरू होगी फ्रेंड्स मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये मधुमालती का है फ्रेंड्स मेरे पास में, मैंने यहीं से परचेज किया था फ्रेंड्स इसको 50 रुपीज़ में, तो इसमें अभी छोटी छोटी सी कलियां आ रही हैं फ्रेंड्स, देखिए आप दिख रही होगी आपको कि इसमें छोटे छोटे से फ्लावरिंग के लिए बर्ड्स बनना चालू हो गई हैं। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से खाद वगैरह डाली थी तो अब इसमें आने लगी हैं कलियां। और ये सब मेरे गुलाब के पौधे रखे हुए हैं फ्रेंड्स इधर, इसमें गुलाब की भी मैंने देखी फ्रेंड्स इसमें कलियाँ आ रही हैं और नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें तो फ्लावरिंग के लिए कली आ गई हैं, और थोड़े ही टाइम बाद फ्रेंड मेरे गुलाबों में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरे पास में एक ही है, और इसका जो हिबिस्कस का प्लांट है फ्रेंड्स मेरे पास में एक ही है, क्योंकि मेरे वहाँ पर जो ऊपर टेरेस में मैंने ये सब लगा रखा है फ्रेंड्स, तो गिलहरियाँ बहुत हैं, और जो गिलेरियाँ होती है फ्रेंड्स वो गुड़हल की कलियाँ बहुत खाती हैं। मेरे पास में पहले भी प्लांट थे फ्रेंड्स पर उसको गिलेरियों ने ही सब ख़त्म किया है। और फ्रेंड्स इसको भी मैंने कली देख के लिया थी, इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर आया था और बस वो फ्लावर खिला और फ्रेंड्स गिलेरी ने उसको खा गया। अभी भी फ्रेंड्स देखिए ये गिलेरी खा के गई है इसे, क्योंकि गिलेरी हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इस तरीके से प्लांट को काट देती हैं। और देखिए ये रेन लिली है, देखिए मेरे पास में रेन लिली के तीन तरीके के जो फ्लावर के बल्ब हैं, तो ये वाइट है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब रेन लिली का टाइम आता है फ्रेंड्स तो इसमें इतने ही ब्रांचेस इतनी ही सारे फ्लावरिंग होती है, इससे ज़्यादा भी होगी फ्रेंड्स, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है इनकी। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने प्यारे लग रहे हैं, और यहाँ पर ये गुलाब लगा हुआ है और इसमें भी नई नई ब्रांचेस निकल रही है फ्रेंड्स, इसमें नई नई ब्रांचेस के साथ में कलियाँ भी आ रही है। और ये मेरे चांदनी का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें भी चांदनी में भी फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए इसमें छोटी छोटी सी ये स्मॉल चांदनी है फ्रेंड, बोंजाई चांदनी बोलते हैं इसे, तो इसमें भी छोटी छोटी सी ये कलियाँ आ रही हैं। देखिए अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स निकल रही हैं और इसमें छोटे छोटे से फ्लावर भी बनेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरीके से फ्लावर आते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरे जो बल्ब होते हैं ये लिली के बल्ब होते हैं फ्रेंड्स, और इसमें भी फ्लावरिंग आएंगी, तो ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और ये मेरे येलो कलर की लिली है, जैसे वो वाइट है फ्रेंड्स वैसे ये येलो लिली है, और ये है इसमें पिंक लली, तो इसमें पिंक कलर के खिलेंगे फ्रेंड्स फ्लावर। और ये मेरे मोगरे का है जिसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर फ्रेंड्स डाली थी, तो इसमें अभी देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, और ये पूरा ही बर्ड्स से प्लांट मेरा भर गया है। जब इस पर फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें एक या दो फ्लावर आ चुके हैं फ्रेंड्स जिसे मैंने यहाँ से कट किया है, पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर की थी कि आप मोगरे पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कौन सी खाद और कौन से तरीके की फर्टिलाइज़र दें। तो फ्रेंड्स देखिए थोड़े टाइम बाद में ही इसके जो रिज़ल्ट है वो अभी आपको दिख जाएगा। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए
ये एक प्लांट में मैंने और पॉट में वाइट लिली लगा रखी है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावरिंग देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रेंड्स चांदनी का पेड़ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कोचिया है ये। और ये मेरी गुलदाउदी के प्लांट है फ्रेंड्स, जिनकी अभी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये पुदीना फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लगा रखा है वहाँ से निकाल के, ताकि ये यहाँ पर अच्छी ग्रोथ करे। पौधे को फ्रेंड्स ज़्यादा डीप पॉट नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा ऊपर से जो गहरा ना हो, ऊपर से गहरा हो और नीचे से गहरा ना हो, वैसा पॉट चाहिए होता है। तो मैंने इसे ये इसमें लगा रखा है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो मीठा नीम है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी मैंने मिर्ची के प्लांट लगा रखे हैं। एक पौधा जो है फ्रेंड्स, मैंने उसे आज ही शिफ्ट किया है इस पॉलीथीन में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये मिर्ची के हैं फ्रेंड्स। यहाँ मेरा एलोवेरा लगा हुआ है फ्रेंड्स, और इसमें भी मेरे येलो वाले लिली के पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें लिली में कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। और ये एलोवेरा है फ्रेंड्स, ये हमारे स्किन बालों के लिए और यहाँ तक कि हमारे जो कटिंग रहती है फ्रेंड्स उसके लिए भी काफ़ी अच्छे काम करता है फ्रेंड्स। तो आपके पास में एलोवेरा होना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।